चौलीस्तान इंटरनेशनल डेजर्ट रैली के हवाले से तकरीब इस्लामाबाद में हुई तकरीब में इवेंट को बैनवा रैली की ट्रॉफी की भी रनमाई की गयी उन्नीसवी चौलिस्तान डेजर्ट रैली बीस ऐसी पच्चीस फरवरी तक मन होगी जिसमे जीप रेस ओंट रेस डेट बाइक पैराग्लाइडिंग के अलावा सकाफती शो भी पेश किए जाएंगे रैली के लिए पाँच किलोमीटर का ट्रैक रखा गया है 2005 में शुरू होने वाले चोलिस्तान डेजर्ट रैली जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट और मेला है मेरे साथ सलमा मरवत मौजूद हैं, जो इस रैली में पहले भी पार्टिसिपेट करी हैं 2018 से वो इसी रैली में पार्टिसिपेट करी हैं और दो बार के वो विनर भी हैं आए हम उनसे बात करते हैं कि वो इस इवेंट के बारे में क्या कहती हैं असल वाईक्रेचुलेशन के आप इतने अच्छे इवेंट में वुमेन को सपोर्ट करी हैं उनको रिप्रजेंट करी हैं इससे पहले बहुत सी दूसरी गेम्स में हम लोगों ने देखा है लेकिन इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इस तरीके की और वो भी मब फैमिली से बिलोंग करी हैं तो बहुत मुश्किल होते हैं तो कैसा फ़ील करिए हैं आप इस टाइम जब विन किया था तभी और इस टाइम के कैसे रिप्रेजेंट है और क्या गोल्स लेकर आएँ असलकुम गोल्स तो देखें जो हैं वो भी इन गोल्स ख़त्म नहीं होते ठीक है काफ़ी ज़्यादा मतलब हम लोग के ड्रीम स्पोर्ट्स वालों की बहुत ज़्यादा होती हैं टू थाउजेंड एटीन से मैंने रैली स्टार्ट की और uh, मेहनत इतनी की अलहमदिल्ला बिल्कुल हर काम मतलब कि कोई रैली छोड़ी नहीं मैंने बीच में कुछ रह भी गई जैसे लास्ट छोलेसानी रह गई थी और अलहमद अल्लाह का करम है कि आज मैं यहाँ पर फीमेल को जो है वो रिप्रजेंट कर रही हूँ जब आपने पार्टिसिपेट किया था उस टाइम मतलब कि बहुत सारे मतलब हर्डल्स आती हैं कि आप एक तो फीमेल हैं और फैमिली किस फैमिली के अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें तो उस चीज़ को क्या सोचा था और कभी ये सोचा था कि आप विन करेंगी कॉन्फिडेंट uh, सबसे पहले आप में होना चाहिए ठीक है अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए और पैशन पैशन है मेरा और उसके लिए आपको कभी आप हारते हो कभी जीतते हो ये आपको मतलब आपके अंदर इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए देखिए स्टार्ट में जैसे हर एक आप कोई भी काम करो उसमें आपको मुश्किल आती है बिल्कुल मुझे भी मुश्किल थी क्योंकि बड़ी छोटी गाड़ी से स्टार्ट किया फिर उसके बाद ये जो रैलीज़ हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स हैं फिर उसके लिए आपको अगर मैं कहती हूँ स्पॉन्सर्स नहीं मिलते मगर आज माशाल्लाह मैं अलहदुल्लह टीम के एम के को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मेरी अपनी एक टीम है और क्या कहते हैं टॉप सिटी वन मुझे स्पॉन्सर कर रहा है और मेरी गाड़ी वन ऑफ़ द बेस्ट कार है लाइक मैं टॉप ऑफ़ द लाइन प्रिपेड गाड़ी जो है मैं चला रही हूँ तो अल्लाह का शुक्र है आप जितनी मेहनत करते हो और जितना आप में मतलब कॉन्फिडेंट होता है और यकीन रखते हो अपने ऊपर यकीन होता है तो आप इस टाइम इस जगह तक पहुंच जाते हो तो इस सब में फैमिली क्या कितना सपोर्ट है आपको कि यहाँ पे आके ये रिप्रेजेंट करें हाँ जी एक्चुअली बिल्कुल मैं मरवा ट्राइब से हूँ पठान हूँ फैमिली आ, स्टार्ट में बड़ी बातें सुनने को मिली भाई नाराज़ हुए लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक अच्छा स्पोर्ट्स है इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है हमारा असल में डर यही होता है कि किस किस्म का इन्वायरमेंट है इतने सारे मर्द है कैसे जा रही हो यही क्वेश्चन होते हैं लेकिन हमारा रैली फैटर्निटी बहुत अच्छी है जो भी नए इवन मेल रेसर्स हो या फीमेल रेसर्स हो आपको अच्छे से वेलकम करते हैं आपको हेल्प आउट करते हैं सेफ़ है तो इसलिए अब फैमिली जब बहुत खुश होती है पहले थोड़ा सा था इशू नाइन्ती, 19th एडिशन के लिए क्या गोल्स हैं क्या सोच कर मतलब क्या, क्या क्योंकि नेक्स्ट फरवरी में हो रही है तो उसके लिए क्या मतलब एम्बिशन सेट किए हुए हैं आपने देखें हर रेसर यही चाहता है जैसे अभी ट्रॉफी रिवील हुई है तो हम सब मैं देख रही थी जितने भी रेसर से आए हुए हैं सबकी आंखों में एक चमक आ गई थी देख के उसको देख के अब और ज़्यादा जो है अब एक्साइटमेंट ज़्यादा हो गई है और हर रेसर चाहता है कि वो विन करे बट रैली रैलीज़ में यहाँ नहीं इंटरनेशनली भी ऐसा होता है कि बड़े बड़े रेसर जो कि हम हमने कहते हैं कि भाई ये जीत रहे हैं ये जीत रहे हैं कभी भी आपकी लक मैटर करती है या गाड़ी खराब हो जाएगी कोई ना कोई इशू आ जाएगा लक मैटर करती है रेसर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं मेरी भी है सबसे दुआ है सब मेरे लिए दुआ करें कि मैं जीतूँ वेल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गुड टू हैव यू